और चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष टावर पर चढ़ गई हैं। तो रेखा हिरण महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक धीरज गुर्जर के समर्थन में टावर पर चढ़ी है। रिको नंबर एक टावर पर जमा होने लगे हैं कई लोग। तो विधायक धीरज गुर्जर के समर्थन में कई लोग इस दौरान टावर पर चढ़ रहे हैं। आज की बात की जाए तो आज भी एक महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष टावर पर चढ़ गई है जिसका नाम रेखा हिरण बताया जा रहा है। तो रिको नंबर एक टावर पर अब धीरे धीरे करके लोग इकट्ठा होने लगे हैं। दरअसल 21 सूत्री मांगों को लेकर 8 दिनों से अनशन पर धीरज गुर्जर। और कल की बात करें तो कल भी तकरीबन भीलवाड़ा में 13 लोग टावर पर चढ़े थे, उतारने की कोशिश की गई और जैसे लगातार सिलसिला यहां पर बढ़ता ही चला गया लोगों का टावर में चढ़ने का। तो ऐसे में जो शहर के टावर हैं, जो टंकियां हैं, वहां पर एहतियातन बलों को तैनात कर दिया गया, सुरक्षा को यहां पर कड़ा कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से आज की बात करें तो एक बार फिर महिला कांग्रेस की एक जिलाध्यक्ष रेखा हिरण टावर पर चढ़ गए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचने की कोशिश यहां पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ और भी लोग यहां पर जमा हुए हैं, तो कोशिश यहां पर यह भी रहेगी कि कल जिस तरह से कई लोग चढ़े थे तो आज भी उनके साथ धीरज गुर्जर के समर्थन में कई लोग और भी आज टावर में चढ़ जाए। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, नवीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से सीधे जुड़ गए हैं। नवीन, कल भी ये मामला देखने को आया था, हालांकि उस दौरान जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से कई लोग यहां पर चढ़े थे, तकरीबन 13 लोग बताए जा रहे थे जो टावर में चढ़े थे, उसके बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बिल्कुल रितु, ये शहर का बाहरी हिस्सा है जो भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग पर है, रिको एक नंबर चौराहा जिसको बोला जाता है। तो वहाँ पर ये दोनों महिला नेत्री हैं, एक तो महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रेखा हिरण और एक महामंत्री है सुशीला जाट, ये दोनों आज टावर पर चढ़ गए सुबह 9:15 के आसपास। और इसके बाद में सूचना अभी कुछ देर पहले ही प्रतापनगर इसको भी मिली, प्रतापनगर थाना पुलिस का जाप्ता पहुंचा मौके पर। वहाँ जो मजदूर इलाका है, खासतौर से इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद में लोगों को पता चला कि यहाँ महिला कांग्रेस की नेता जी नवीन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई और लोग भी फिलहाल इस टावर के नीचे खड़े हैं, क्या ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि टावर के ऊपर चढ़ा जाए? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ऋतु, मैं चढ़ने की तो कोई प्रयास नहीं है नीचे वालों का, तो मगर ये जरूर है जो पहले के जो चढ़े हुए हैं, जैसे कल में चार टावर पे जो 15 लोग चढ़े थे, उसमें दो लोगों को तो महिला कांग्रेस की नेत्री को उतार दिया था, जिसमें तनिषा जैन थी और एक लड़की और थी रेखा गुजर, पर उसके अलावा अभी भी 14 इनके साथ में 13 लड़के और चढ़े हुए हैं जो चार टावरों पर भीलवाड़ा में चढ़े हुए हैं। कुल मिलाकर अभी पांचवा टावर है जिसके ऊपर दो महिलाएं और चढ़ गई, 5 टावर पे कुल 15 लोग अभी भी चढ़े हुए। यानी कि नवीन, जो कल 13 लोग टावर पर चढ़े थे वो अभी तक नीचे नहीं उतरे हैं, अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं? बिल्कुल रितु, अभी भी वो लोग टावर पर चढ़े हुए हैं, ये 13 लोग पहले ही चढ़े हुए थे, 2 और चढ़ गए हैं, और कुल मिला के सीधा सीधा देखा जाए रितु तो ये टावर पॉलिटिक्स इस समय भीलवाड़ा पे हावी है और टावर पॉलिटिक्स चल रही है। तो जिस तरह से नवीन आप यहाँ पर बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स यहाँ पर जारी है, और ऐसे में कल की बात करें तो धीरज गुर्जर ने यहाँ पर अपने जो समर्थक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, बातचीत के दौरान ही उन्हें चक्कर भी आ गए, अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। हालांकि इस दौरान लगातार दरख्वास्त भी की जा रही है कि वो अपना अनशन तोड़ दें, लेकिन डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो ये जिस तरह से अब पूरा ये गेम खेला जा रहा है, ये जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ता ही जा रहा है, एक हाई प्रोफाइली मामला हो गया है, तो क्या इस पर कोई बातचीत करने की और भी कोशिश की जा रही है अब, क्योंकि मामला अब ज्यादा हाईलाइट हो रहा है? रितु, इस पूरे सब्जेक्ट में जिस तरह से बात हुई थी रात को 11 बजे के आसपास, जिलाध्यक्ष जो है कांग्रेस के रामपाल शर्मा, उनके साथ में कुछ वरिष्ठ लोग होने, जो जैसे पूर्व प्रधान भवन गर्ग हो गए और भी कुछ लोग थे, वो लोग पहुंचे थे, उन्होंने दुर्गेश शर्मा थे महामंत्री पूर्व, उन्होंने बातचीत की, समझाई, इसका प्रयास किया, मगर जिस तरह से कुल मिला के एक तरह से संवादहीनता जिस तरह से प्रशासन के इनके बीच में रही, उसका एक खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आंदोलन बराबर लगातार लंबा बढ़ता जा रहा है। जी नवीन, एक और आखिरी सवाल यहाँ पर, फिलहाल धीरज गुर्जर की तबियत कैसी बनी हुई है? धीरज गुर्जर की तबियत में रितु, रात की जो स्थिति थी उसको देखते हुए अभी सुबह काफी सुधार है, और अब वो बातचीत करने की स्थिति में भी है, और उनकी हालात लगातार सुधार में है, और उनके स्वास्थ्य बराबर अच्छा होता जा रहा है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर तकरीबन 8 दिन से कांग्रेस के विधायक है धीरज गुर्जर जो अड़े पड़े हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की कोशिश यहां पर नहीं की गई है और टावर पर चढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। समर्थक जो उनके समर्थन में है और इस दौरान हालत भी जैसा कि हमारे संवाददाता यहाँ पर बता रहे थे कि हालत बेहद नाजुक है। कोशिश हालांकि यहाँ पर की जा रही है कि या तो प्रशासन की तरफ से बातचीत कर ली जाए या फिर धीरज गुर्जर अपने अनशन को खत्म कर दें।